हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान या फिर बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। तो 400 क्वेश्चंस हम लोग ख़त्म कर चुके थे, 401 से हमें बात करनी है। ठीक है, तो 401वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? तो ये आपका एपिथीलिमी ऊतक। बी ऑप्शन सही है। क्या है? बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दूसरा, निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी है? तो ये आपका वसामय ऊतक शरीर को गर्म रखने में सहायक होता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, तंत्रिका ऊतक की इकाई है तो न्यूरॉन। ए ऑप्शन सही है। क्या है? ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा अगला चौथा, संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे में किसके द्वारा होता है? तो याद रखना है आपको तंत्रिका ऊतक द्वारा। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है पांचवा, ऊंट का कूबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो याद रखना वसामय ऊतक का। ऊंट का जो कूबड़ है ये आपका वसामय ऊतक द्वारा बना होता है। क्वेश्चन है छठवां, मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो याद रखना वसा ऊतक के कारण। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा सातवां, निम्नलिखित में से कौन ऊतक का उदाहरण है? तो याद रखना रक्त। क्या है? रक्त। क्वेश्चन है आठ, मास्ट कोशिकाएं पाई जाती हैं संयोजी ऊतक में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा नौवा, क्या है? फेफड़ों को ढकने वाले वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पिलूरा। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा दसवां, दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर आपका एनामिल का बना होता है। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, नाभि रज्जू है पोड़ संयोजी ऊतक। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, किसी जीवित देह के भीतर कोशिका या ऊतक की मिट्टी को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिलिया। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 13, अनुवांशिकी इकाइयां हैं जीन। क्या है? जीन। क्वेश्चन है हमारा 14, जीन अवस्थित होते हैं, जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 15, जीन है एक, जीन है आपका डीएनए का एक भाग। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 16, जीन का वर्तमान नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन है? तो याद रखना जोहानसन। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है? तो याद रखना डीएनए। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो ये थे आपके वाटसन एवं किक, वाटसन व किक। क्वेश्चन है हमारा 19, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो याद रखना गुणसूत्रों द्वारा। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 20, किस कारण एक माता पिता कि सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं?
अनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता दोनों सही है, तो इसमें सी ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन है हमारा 21। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या होती है, तो आपको याद रखना है 23। 23 क्वेश्चन है 22। मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है, तो याद रखना 46। बी ऑप्शन सही है, क्या है बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 23। लड़का पैदा होगा जब बच्चे में एक्स वाई गुणसूत्र हो, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 24। बच्चों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का, याद रखिए पिता का, ठीक है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी क्रोमोसोम होता है पिता का। क्वेश्चन है 25। निम्नलिखित में से कौन एक लिंग सहलग्न रोग होता है, वार्धांधता, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 26। वार्धांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देगा, याद रखना है हरा, लाल रंग हरा दिखाई देगा। क्वेश्चन है 27। एक वार्धांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है, तो वार्धांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके उसके पुत्रियों के पुत्तों में, किसमें, पुत्रियों के जो पुत्र होंगे उन्होंने, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 28। क्या है 28? जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो याद रखना है लेमार्क, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 29। जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत प्रतिपादित किया डार्विन ने, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 30। समजातंग होते हैं रचना में असमान। क्वेश्चन है हमारा 31। जीवन की उत्पत्ति हुई है जल से। क्वेश्चन है 32। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का निकटतम प्राणी है बंदर, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 33। क्या है क्वेश्चन? उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था डी ब्रिज ने, ब्रिज बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 34। क्या है? मलेरिया का परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये आपका डी एनिलिडा, सॉरी, मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है, तो ये आपका प्रोटोजुआ, ए ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही है इसमें। क्वेश्चन है हमारा 35। चप्पल की आकृति का जंतु है, चप्पल की आकृति का जंतु है आपका पैरामीसियम, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 36। अमीबा का पिछलन अंग है, याद रखना कूटपाद, 36 का सी। क्वेश्चन है हमारा 37। काला अजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजुआ है, तो याद रखना लिस्मेनिया, डी ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन है 38, निद्रा रोग पैदा करता है, ट्रेपेनोसोमा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 39, कीटों में कितनी जोड़ी टांगें होती हैं? तीन। कीटों में तीन जोड़ी टांगें होती हैं, कितनी होती हैं? तीन जोड़ी। क्वेश्चन है हमारा 40, क्या है? मच्छर में लाल खून उभर आना किस पोषण के कारण होता है? मच्छर में लाल खून उभर आना किस पोषण के कारण होता है? तो याद रखना है, स्तनधारी। क्वेश्चन है हमारा 41, घरेलू मक्खी का लार्वा कहलाता है, मैंगोट, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 42, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का विष आपका डंक में होता है। क्वेश्चन है हमारा 43, निद्रा रोग फैलाती है, सैंड सैंड फ्लाई, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 44, ऑक्टोपस है एक मृदु कवची, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 45, क्या है? तारा मछली निम्नलिखित में से किस संघ का प्राणी है? तो याद रखना, इकाई नोड मेटा, इकाई नोड और मेटा, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46, निम्न में से कौन मानव मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो याद रखना, फीता कृमि, क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा इसमें। क्वेश्चन है हमारा 47, निम्नलिखित में से किसके अदब की मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य की आंत में पहुंचता है? सुअर के, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 48, केंचुए में कितनी आंखें होती हैं? केंचुए में कोई नेत्र नहीं होता है, डी ऑप्शन सही है। क्या है? डी सही है। क्वेश्चन है हमारा 49, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है, ओरिलिया, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 50, मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 51, मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में तीन कक्ष होते हैं, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 52, निम्न में से कौन एक मीन है, मछली? निम्नलिखित में से एक मीन है आपका, फ्लाइंग फिश है। कौन सी? फ्लाइंग फिश, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 53, संसार में किसकी जीव की संख्या सर्वाधिक है? मछली, डी ऑप्शन सही है 53 में। क्वेश्चन है 54, शीत शीत रखती है प्राणी है, मछली, छिपकली, मेढक, ये सभी हैं। क्या होगा 54 में? डी होगा। क्वेश्चन है 55, नैसंग प्राणी कौन सा है? कछुआ, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 46, सॉरी 56, सबसे विषैला सर्प है, करेत, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 57, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है, किंग कोबरा, क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 58, हाल ही में लुप्त हुआ है जंतु, डायनासोर, 58 में सी है। क्वेश्चन है 59, विषैली छिपकली है, तो याद रखना, हीलोडर्मा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन
क्वेश्चन है 60। कौन सा प्राणी सांपों से लड़ता है? तो याद रखना नेवला। क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 61। समुद्री सर्प को कहा जाता है? हाइड्रोफिश। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 62। सर्प में मध्यकरण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में मध्यकरण नहीं होता है, वे ध्वनि ग्रहण करते हैं अपनी त्वचा से। सी ऑप्शन सही होगा 62 में। 63। पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं, पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वातिल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 64। मधुमक्खी और कीड़ी किस वर्ग से संबंधित हैं? तो याद रखना कीट। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 65। मेंढक में फर्टिलाइजेशन प्रवृत्ति होती है, बाह्य। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 66। टिड्डी क्या होती है? टिड्डी कीड़ा होता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 67। रक्त में पित्ती स्कंदन पदार्थ होता है, हेपेरिन। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 68। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों को का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है? तो याद रखना डायटम। कौन से जीव है समूह? डायटम समूह। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 69। मैमथ पूर्वज हैं हाथी के, क्या है 69 में? बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है हमारा 70। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, फेरोमोन्स आपके कीटों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन है 71। भारत की सबसे बड़ी मछली है, भारत की सबसे बड़ी मछली है भेल शार्क। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 72। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो याद रखना मकड़ी कीट नहीं है, खटमल है, मच्छर है, घरेलू मक्खी है, लेकिन मकड़ी नहीं है। क्वेश्चन है हमारा 73। पांडा भी उसी कुल का है जिसका भालू है। 73 में ए है आपका। क्वेश्चन है 74। निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो याद रखना है एकिडेना। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 75। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट आपके वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा 76। तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो याद रखना गेम्बुसिया। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में कौन सा एक कपी नहीं है? तो याद रखना लंगूर होगा इसमें। सी ऑप्शन 77 में। क्वेश्चन है 78। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो याद रखना नागराज का। क्वेश्चन है हमारा 79। भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड्डयन बुलबुल निम्नलिखित में से क्या है? चमगादड़। क्वेश्चन है 80। निम्नलिखित में से किस में रक्त नहीं होता है किंतु श्वसन करता है? तो याद रखना हाइड्रा। क्या होगा? सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है हमारा 81। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र कहलाता है? आस्कुलम। आस्कुलम डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 82। मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? एपिकल्चर।
क्वेश्चन है हमारा 83। श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो याद रखना माइटोकांड्रिया से। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 84। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो याद रखना 4%। कितनी होती है? 4%। क्वेश्चन 85। केव्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है, तो याद रखना पाइरूविक अम्ल का। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 86। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन है 87। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है, तो याद रखना यूरिया। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 88। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, मानस मनुष्य शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। क्वेश्चन है हमारा 89। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं, तो याद रखना बेक्को में। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 90। मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है, यूरोकॉम के कारण। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 94, सॉरी 91। नेफ्रॉन किससे संबंधित है, वृक्क से। क्या होगा? सी ऑप्शन सही है 91 का। क्वेश्चन है 52। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, डायलिसिस। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 93। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, मूत्र में। क्वेश्चन है हमारा 94। अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है, ब्रेक। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 95। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो याद रखना है अंडवाहिनी में। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है हमारा 96। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखना अल्ट्रासाउंड का। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 97। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, ट्यूबेक्टोमी। सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है 98। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो याद रखना बीजांडसन। बीजांडसन। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 99। पुरुष की नसबंदी को क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 500। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है, थायराइड है, अग्नाशय है, यकृत है, लेकिन जठर नहीं है। क्या होगा? 500 में होगा आपका 500 भी क्वेश्चन का डी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके 500 क्वेश्चंस तक। अभी तक हम लोग खत्म कर चुके हैं, आगे हम लोग 501 से देखेंगे। ठीक है।